हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने और एक आसान एंड बेहद आसान एंड ब्यूटीफुल दिखने वाला एक पैटर्न लेके आया हूँ। चाहे आप ये किसी भी प्रोजेक्ट में एडजस्ट कर सकते हो, इवन आप ये पैटर्न बॉर्डर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैटर्न को। ये फ्रंट साइड आपको कुछ इस तरह से दिखेगा एंड इसका रॉन्ग साइड इस तरह से। आप दोनों तरफ एक काइंड ऑफ टेक्सचर आपको मिलेगा। शॉल्स, स्कार्फ, बेबी कार्डिगन, जेंट्स के लिए, स्वेटर्स के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ये डाल सकते हो ये बुनाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे डालने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ थ्री, तीन के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस दोनों साइड एक एक एज स्टिच डालना है। तो मल्टीपल ऑफ थ्री प्लस टू स्टिचेस डालने हैं एंड जस्ट टू रोज का पैटर्न है। यही टू रोज आपको रिपीट करने हुए जाना है। तो ये रो नंबर वन, यहाँ पे मैंने मल्टीपल ऑफ थ्री 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 डाल के यहाँ पे एक एक एज स्टिच डाला है एंड ये स्टार्ट करते हैं। रो नंबर वन राइट साइड से एक जो एज स्टिच है, एज स्टिच हम स्लिप कर लेंगे। स्लिप करने के बाद धागा पीछे लेके दो सीधे नीट टू, वन टू, दो हमने सीधे बुन लिए और एक उल्टा, यही हमें रिपीट करते हुए जाना है। अगेन धागा पीछे लेंगे, दो सीधे एक उल्टा, नीट टू, धागा आगे लेके पर्ल वन, नीट टू, पर्ल वन, नीट टू, पर्ल वन, दो सीधे, यही हमें कंप्लीट एंड तक, लास्ट एज स्टिच बचने तक हमें रिपीट करना है। यही दो सीधे एक उल्टा, 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 एज स्टिच एक बचा हुआ है तो एज स्टिच को हम एक उल्टा बुन लेंगे। तो ये रो नंबर वन कंप्लीट हो गया है। इसका भी आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा। मेरे चैनल पे और भी पैटर्न है, जो भी पैटर्न मेरे चैनल पे उसका सभी का आपको रिटर्न इंस्ट्रक्शन स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, तो चेक करना ना भूलिएगा। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। रो नंबर टू एज स्टिच स्लिप कर लेंगे। स्लिप करने के बाद धागा पीछे लेके अब रिपीटेशन शुरू होगा। एक सीधा बुनेंगे, अब यहाँ पे एक जाली डालेंगे, थोड़ा ढीला जाली, फिर दो सीधे बुनेंगे और ये जो जाली डाला था इस जाली को इस तरह से उठा के दो जो हमने बुने थे तो दोनों के ऊपर से पास कर लेंगे। तो इस तरह से यही रिपीट करते हुए जाना है। अगेन एक सीधा जाली डालेंगे, दो सीधे, फिर ये जाली जो डाला था, जाली वाला स्टिच पास ओवर टू स्टिचेस। तो इसी तरह से करते जाएंगे, नीट वन, यार्न ओवर, नीट टू, पास ओवर टू स्टिचेस। तो ये थोड़ा सा आपको ढीला से थोड़ा इसको ढीला कर लेंगे इस तरह से। ओके, थोड़ा अगर यार्न ओवर का जो स्टिच जाली वाला थोड़ा आप ढीला करोगे तो ही आएगा, नहीं तो इस तरह से थोड़ा टाइट करोगे तो उठा के पास ओवर करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो एक सीधा जाली डाला, दो सीधे,
ये जो जाली वाला था इसको दोनों के ऊपर से पास ओवर, यही हमें रिपीट करते हुए जाना है। एक सीधा, एक जाली डाला, फिर दो सीधे, इसके ऊपर से पास कर लेंगे। एक सीधा, जाली डाला, दो सीधे और इसके ऊपर से ये जो स्टिच है इसके ऊपर से हम पास कर लेंगे। तो इसी तरह रिपीट करते हुए लास्ट एज स्टिच बचा हुआ है तो इसको हम सीधा बुन लेंगे। तो ये रो नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। तो आप रिपीट एंड रिपीट ये पैटर्न को रिपीट करते जाओगे तो इस तरह से आपको टेक्सचर मिलता जाएगा। रो 1 एंड 2 रिपीट करते जाइएगा। तो ये था एक सिंपल सा पैटर्न एंड बहुत ही सुंदर दिखने वाला एंड बहुत ही जल्दी फिनिश होने वाला बेबी ब्लैंकेट के लिए, कैप्स के लिए और बेबी स्वेटर्स के लिए, शॉल्स के लिए, लेडी शॉल के लिए आप ट्राई कर सकते हो, स्कार्फ के लिए भी। तो ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। अब अगर आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत मायने रखता है एंड मुझे एनकरेजमेंट है कि नए नए वीडियोस आपके सामने लेके आऊं। तो ये था वीडियो एंड हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माय न्यू वीडियोस। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज प्लेलिस्ट चेक कीजिए, शायद आपको कोई वीडियो हेल्पफुल या आपको अच्छा लगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।